हेलो स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में कक्षा 9वीं वाले विद्यार्थियों को दो दो नंबर वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दे रहा हूँ। ये सिर्फ दो नंबर वाले प्रश्न हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को एक नंबर वाले जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनको मैंने बताया, और इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो दो नंबर वाले सारे प्रश्नों को बता रहा हूँ और इनका उत्तर भी मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, देखो पहले प्रश्न देख लेते हैं। समीकरण 5x+2 = 17 को हल कीजिए कह रहा है। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या है, बहुपद 2x² + x + 1 और एवं 3x² + 4x + 5 को जोड़िए कह रहा है। इसके बाद देखो तीसरा प्रश्न क्या है, यदि एक घन का आयतन 27 घन सेंटीमीटर है तो उसकी कोर ज्ञात कीजिए कह रहा है। यदि sin θ = 4/5 हो तो cos θ का मान ज्ञात कीजिए। दिए गए चित्र में कोण 2 = 110 अंश तो कोण 1 व कोण 4 का मान ज्ञात कीजिए। अब इन सभी प्रश्नों का मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ। ठीक है, देखो ये रहा पहला प्रश्न का उत्तर, 5x+2 = 17 का आपको हल करना है। तो हल कुछ इस प्रकार से करोगे तो कितना आ जाएगा मान, x का मान 3 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखो, दूसरा प्रश्न में क्या है, दोनों को जोड़ना था तो दूसरा का उत्तर यहाँ पे है, देख सकते हो। ठीक है, दोनों को जोड़ना है तो 2x² + x + 1 और ये दोनों को जोड़ते हैं तो 5x² + 5x + 6 प्राप्त होगा। तीसरा का उत्तर देखो, घन की बात किया था ना, तो घन का मान कितना था, 27। तो a3 से हम दर्शाते हैं, a3 तीन ऊपर का कट गया, बचे क्या a और 3, तो a का मान कितना आ गया 3। ठीक है, चौथा देखते हैं, चौथा में क्या, sin θ का मान यहाँ पे दिया हुआ है लेकिन हमें इसमें बताना क्या है, cos θ का मान बताना है। ठीक है, sin θ का मान 4/5 दिया हुआ है। तो देखो क्या करना है आपको, कुछ इस प्रकार करना है, ये समकोण त्रिभुज बना देना है। इसके बाद पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, ac² = ab² + bc² ये लगा देना, और इसके बाद जब हल करोगे तो देखो कुछ इस प्रकार से हल होगा और यहाँ पे bc का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब जैसे ही हमें bc का मान पता चला तो bc का मान कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे खाली जगह पे। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे, इसके बाद क्या निकालना, cos θ, तो 3/5 जो है cos θ का मान हो जाएगा। बहुत आसान था। ठीक है, अब पांचवा प्रश्न दिखाता हूँ। कोण 2 का मान दिया हुआ था कितना, 110। देखो कोण 2 का मान कितना दिया है, 110, तो कोण 4 का मान भी कितना हो जाएगा, इसके बराबर है, मतलब सेम टू सेम है, सम्मुख कोण, सम्मुख नियम लगाओगे तो। ठीक है, तो कोण 2 और कोण 4 बराबर है, इसलिए दोनों का मान कितना हो जाएगा, 110, और कोण 3 और कोण 1 का मान कितना हो जाएगा, 70। कैसे हल करना है, देखो मैंने यहाँ पे हल कर दिया है, कोण 2 और कोण 3, दो कोणों का योग 180 अंश होता है, तो 180 अंश, तो कोण 3 का मान कितना आ गया, 70 आ गया। लेकिन हमें निकालना क्या है, कोण 1 और कोण 4 का मान। तो अब देखो कोण 3 के बराबर कोण 1 है, कितना आ गया, 70 आ गया। इसी तरह से कोण, और यहाँ पे जो नियम है वो सम्मुख कोण नियम लगा हुआ है ना, सम्मुख कोण आमने सामने नहीं, सम्मुख कोण बोलते हैं क्या, हाँ सम्मुख कोण नियम, सम्मुख तो आमने सामने बोलते हैं, एक और क्या है नियम, सम्मुख कोण नियम नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, जस्ट अपोजिट होता है ना, विपरीत कोण नियम ऐसा भी होता है शायद, इस नियम के तहत ही होगा। और इसके बाद देखो कोण 4 का मान 110 यहाँ पे प्राप्त हो, कोण 1 का मान 70 और कोण 4 का मान कितना है, 110। इस तरह से आपको हल करना है। ठीक है, चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ और पांच प्रश्न दिखाता हूँ। ठीक है, सारे प्रश्नों का उत्तर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ जो मैं भी दिखा रहा हूँ। 2/3 व 3/4 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। मैं इसका उत्तर आपको बताऊंगा। sin²(60° + cos²(60° का मान ज्ञात कीजिए कह रहा है। बहुत आसान है, 1 होगा इसका मान। ठीक है, मैं दिखाऊंगा कैसे करना है। यहाँ पे 3x अंश 2x अंश का मान निकालना है, मतलब x का मान यहाँ पे निकालना, बहुत आसान प्रश्न है। इसके बाद देखो एक प्रश्न यहाँ पे है, एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और अंतिम प्रश्न देखो, 5 प्रश्न का मैं यहाँ पे सूची, 5 प्रश्न दे रहा हूँ इसमें भी। एक घनाभ का आयतन 1200 घन सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए कह रहा है। देखो अब इसका उत्तर दिखाता हूँ सभी का। छठवा का देखो, छठवा को कुछ इस प्रकार से बताना है, 3 परिमेय संख्या बताना है ना। तो देखो 33, 48, 34, 35 दिया है और नीचे में कैसा भी में 48, 3 परिमेय संख्या है इन दोनों के बीच में। तो देखो मैंने यहाँ पे एरो के माध्यम से बताया कि इन दोनों के बीच में ये संख्या है। मैंने किया क्या इस प्रश्न में, इस प्रश्न में मैंने किया, सबसे पहले मैंने लघुत्तम निकाला है। नीचे में देखो 3 और 4 क्या बराबर है, नहीं। तो हमने क्या किया, जस्ट अपोजिट में नीचे वाले 3 को ऊपर नीचे गुणा, और जस्ट इस पार क्या करें, यहाँ भी अपोजिट में 4 को ऊपर नीचे गुणा कर दिए। उसके बाद क्या करें, 3 परिमेय का एक बढ़ा के हमें गुणा करना होता है ऊपर नीचे में, तो दोनों में फिर इस बार फिर से गुणा कर दिए, तो इस तरह से मान प्राप्त हुआ। बहुत आसान टॉपिक है ये। और देखो sin 60 और cos 60 का, तो किस एक सूत्र होता है, इस सूत्र के तहत ये होता है, 1 लिख देना है। ठीक है, ज़्यादा लंबा चौड़ा हल नहीं करना है, 2 नंबर के प्रश्न है। कुछ प्रश्न तो लंबा ही हो रहा था तो भी मैंने उसको लंबे से थोड़ा सा छोटा करके भी हल किया है मैंने। ठीक है, इसके मैं देखो x का मान निकालना है, x का मान कितना है, 36 अंश आया है। ठीक है, कैसे किया है देख लो, 2 कोणों का योग होता है 180 अंश,
तो दोनों को जोड़ेंगे, पाँच पाँच को भाग देंगे, पाँच से भाग देंगे 180 का, छत्तीस कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो नवा और दसवा दिखाई दे रहा है, पहले नवा देख लेते हैं। व्यास का मान कितना है 14, तो मतलब त्रिज्या का मान कितना होगा 7 होगा, 7 निकल गया। अब क्या करोगे, अब यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लगा 2πr² हल करोगे, 308 cm² प्राप्त हो जाएगा। दसवा देखो, एक घनाभ, घनाभ का मान इतना दिया, लंबाई और चौड़ाई भी दिया हुआ है, हमें निकालना है ऊंचाई, तो ये सूत्र है, सूत्र मैंने मान रखा, तो ऊंचाई का मान 4 प्राप्त हो गया। आसान था ये भी प्रश्न। चलो और कुछ प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे देखो चार प्रश्न दिखाई दे रहे, एक प्रश्न को तो मैंने पहले ही बता दिया है ना, एक घनाभ का आयतन वाला मैंने पहले ही बता दिया है। तो ऊपर के एक और नीचे के दो को देखते हैं। उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 17.5 cm है, ठीक है, इसको देखेंगे। ये दूसरा मैंने बता दिया, यदि टेन थीटा बराबर 3/4 हो तो सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए, रैखिक सममिति किसे कहते हैं इसको देखना है, ठीक है, तीन प्रश्न बस देखना है। तो तीन में देखो एक प्रश्न ये रहा, 11वां, 17.5 है, वृत्त का त्रिज्या, त्रिज्या है ये, तो वृत्त की परिधि निकालना है, तो परिधि सूत्र है 2πr, बस इस सूत्र में मान रख दो, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 17.5, जैसे हम ऊपर के सभी मानों गुणा करेंगे 770 आएगा, और नीचे में क्या है 7 से भाग देंगे 110 आ जाएगा, ठीक है। तो 110 क्या आ गया, वृत्त की परिधि 110 cm, मैं यहाँ पे सेंटीमीटर लिखना भूल गया हूँ, सेंटीमीटर लिख लेना, ठीक। इसके बाद देखो 12वां प्रश्न, जो 12वां प्रश्न है उसमें क्या था, टेन थीटा का मान 3/4 दिया हुआ था, बस आपको क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, तो AC का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब सेक का मान निकालना है, तो 5/ कितना होता है, 4 होता है, कॉस का जस्ट उल्टा, तो सेक का मान क्या होगा, कर्ण, कर्ण अपान क्या होता है, आधार होता है, ठीक है, कर्ण अपान आधार, तो कर्ण क्या है, AC का मान है, तो AC का मान मैंने 5 रखा है और आधार का मान 4 है, ठीक है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट किया है, ठीक। अब एक है रैखिक सममिति, मैं ऐसे ही बता देता हूँ, रैखिक सममिति क्या है, देखो रैखिक सममिति का मतलब होता है रैखिक मोड़, दाएं और बाएं, रैखिक जो रेखा होते हैं उसको दाएं और बाएं से जब मोड़ते हैं तो वो संपाति प्राप्त होता है, संपाति प्राप्त होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, रैखिक संपत्ति सममिति कहते हैं, बस इतना आपको उसमें लिखना है, ठीक है। अब मैं जो प्रश्न दूंगा उसको आपको खुद बनाना है, ठीक है, होमवर्क है, तो 15 प्रश्न मैं यहाँ पे होमवर्क दे रहा हूँ। देखो इस प्रश्न को बनाना है, 1/5 के हर का परिमेयकरण कीजिए, बहुत आसान है, मैं ऐसे ही आपको बता देता हूँ, बना नहीं रहा हूँ, ठीक है। क्या करना है, नीचे में जो करनी 5 दिया ना, उसका ऊपर और नीचे दोनों के साथ क्या कर देना है, गुणा कर देना है, समझ में आ गया, गुणा करोगे, गुणा करना पता है ना, और जब दो करनी, करनी के अंदर मान जब गुणा होता है क्या होता है, और सेम सेम मान होता है क्या होता है, करनी हट जाता है, याद रखना इस बात को, ठीक है, करनी क्या होता है, हट जाता है, तो आपको उसी प्रक्रिया का उपयोग करके इसे हल करना है, ठीक। आगे देखो, इसके बाद है जांचिए, ये मैंने बता दिया है ना, सत्य असत्य बताना है, तो एक है ये सत्य है, ठीक है, और एक आता है ये भी मैंने बता दिया है, ठीक है। संगत कोण और एकांतर अंतः कोण बताइए, संगत कोण क्या होता है, एक जैसे कोण को क्या कहते हैं, संगत कोण कहते हैं, ठीक है, एक जैसे कोण को संगत कोण कहते हैं, ठीक, और एकांतर कोण क्या होता है, एक को छोड़ के कोण रहता है उसे हम एकांतर कोण कहते हैं, ये इसकी परिभाषा है। देखो इसे मैंने कहा था कि आप ही लोगों को बनाना है, ये अध्याय 9 वाला टॉपिक है, आप लोगों ने अध्याय 9 अगर मेरा वीडियो देखा होगा तो ये सारे टॉपिक मैंने बहुत बारीकी से आप लोगों को बताया है कि एकांतर कोण नियम कब लागू होता है, सम्मुख कोण नियम कब लागू होता है, ठीक है, जितने भी कोण है सबको मैंने बताया था कि कौन कौन से नियम कहाँ कहाँ पे लागू होता है। इसके बाद ये वाला प्रश्न देखो, एक घन का प्रत्येक कोण 6 cm, उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना इतना आसान प्रश्न है, 6 a का वर्ग होता है, और a का मान कितना दिया, 6 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
बताया ना वही आ गया यहाँ पे रिपीट। कुछ प्रश्न रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब रिपीट हो तो क्या करेंगे, प्रश्न है तो देना तो पड़ेगा ना। चलो आगे देखो, सरल की जगह दो प्लस करनी तीन और दो माइनस करनी तीन, गुणा कर लेना है। बहुत आसान प्रश्न है। पहले क्या करना है, पहले दो से इन दोनों को गुणा करोगे, फिर माइनस करनी तीन से, फिर जो आगे वाले जो कोष्टक के अंदर मानो उनको गुणा कर देना। बस सरल करना है, कुछ नहीं करना, ज़्यादा कुछ आसान है। अब यहाँ पे देखो, साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर दिया हुआ है, हल कीजिए कह रहे। कैसे होगा, बहुत आसान है। क्या करना है, साइन को खींच लेना है या कॉस को खींच लेना है, तो क्या बन जाएगा, टेन थीटा। टेन थीटा का मान कितना होता है, एक, और एक जो है टेन के कितने अंश में होता है, पैंतालीस अंश। तो थीटा का मान कितना आ गया, पैंतालीस अंश। बस यही निकालना है आपको, सरल हो गया, इतना आसान था, ऐसे ही मैंने बोल के बता दिया। समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज में क्या अंतर है, समबाहु त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है, भुजा के साथ कोण भी बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाएंगे। लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज क्या है, जिसके दो भुजा और दो कोण बराबर हो, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। बस इतना ही तो आपको लिखना है इसमें, और कुछ नहीं लिखना है। इसके बाद देखो, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 1350 वर्ग मीटर, तो उसके कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, कोर की लंबाई। कितना आसान है,
यहाँ पे दिया घन दिया है, तो घन वाला मैंने एक प्रश्न बताया था ना 1200 वाला, बस वही करना है। लेकिन यहाँ पे ठीक है, क्या नहीं बताया है, 1200 वाला नहीं बताया था, मैं बताया था शायद A3 बराबर 27 वाला बताया था, याद रखना। तो A3 करना और यहाँ पे क्या करना 1350 कर देना, बस निकल जाएगा आपका लंबाई एक भुजा का मान, ठीक है, कोर की लंबाई जो कहते हैं वो निकल जाएगा। इसके बाद देखो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है। उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना बहुत आसान है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एक सेकंड, मैंने कहीं पे वृत्त का क्षेत्रफल गलत लिख दिया क्या, 2πr² लिख दिया था ना, हाँ वहाँ पे कुछ गलती हुआ है तो गलती को सुधार लेना वहाँ पे, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, पाई 22/7 और 4.2 का वर्ग, इस तरह से हल करके इसको निकाल लेना, ठीक है, जहाँ पे मैंने गलती किया उसको सुधार लेना। अब ये क्या सरल कीजिए कह रहे हैं, इनको गुणा कर दो, सरल हो जाएगा दोनों को, ठीक है, वर्ग हटा के गुणा कर दो। यहाँ पे देखो 2sin²θ बराबर 1/2, बहुत आसान प्रश्न है, क्या करना पड़ेगा, 2 इस पर आ जाएगा 1/2, साइन थीटा का मान 1/2 आ जाएगा, और थीटा का मान कितना आएगा, थीटा का मान 30 अंश में 1/2 होता है, बस थीटा का मान कितना आएगा 30 अंश आ जाएगा। न्यून कोण और अधिक कोण त्रिभुज क्या है, ये भी आसान प्रश्न है। न्यून कोण का मतलब क्या होता है, न्यून कोण का मतलब होता है समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज है ना, वो न्यून कोण त्रिभुज होता है। देखो न्यून कोण का मतलब होता है किसी एक कोण का मान, मतलब जो तीन कोण है तीनों कोणों में से किसी भी कोण का मान 90 अंश से अधिक नहीं होना चाहिए, उसे हम न्यून कोण कहते हैं। अधिक कोण तीनों कोणों में से किसी एक कोण का मान जो है ना 90 अंश से अधिक होना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। बस यही लिखना है आपको उत्तर में। इसके बाद पांचवा है, 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा, 3 मीटर गहरा एक घनाकार गड्ढा खुदाने पर कितनी मिट्टी बाहर निकली, आसान है, तीनों को गुणा कर दो उत्तर आ जाएगा। उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 176 सेंटीमीटर है। वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त का सॉरी क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे दिया क्या है, परिधि दिया है, तो परिधि 2πr लिखना है, r का मान यहीं से निकलेगा, जब r का मान निकलेगा तब आपको क्षेत्रफल वाले सूत्र में रखना है, तो ये भी बन जाएगा। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, जैसे मैंने बताया अगर वैसे आप लोग बनाओगे तो ज़रूर ये बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद 3-3 नंबर के प्रश्न देखेंगे, अगर मैं आप लोगों को सिर्फ प्रश्न दूँ ना तो बहुत जल्दी मैं आपको बता दूंगा, अगर आप चाहते हो कि सिर्फ प्रश्न बताओ आप लोग खुद सॉल्व कर लोगे तो 1-2 वीडियो में मैं पूरा प्रश्न दे दूंगा, 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर के सारे प्रश्न एक दो वीडियो में मिल जाएगा, लेकिन उत्तर जब बताएंगे ना तो उत्तर बताने के कारण क्या होता है, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो उसको काटना पड़ जाता है, तो 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर इस तरह से हमें कटिंग करना पड़ जाता है, तो हर का उत्तर तो नहीं दे पाएंगे, ठीक है, समय ज़्यादा लगता है इसलिए, और जल्द से जल्द मैं बताना चाहता हूँ कि सारे प्रश्नों को जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आप लोग सभी तैयारी में लगे हुए हैं वार्षिक पेपर के, तो वार्षिक पेपर में कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है, तो वो सारे प्रश्न हम लोग आप लोगों को दे रहे हैं।